नमस्कार दोस्तों, इस बार 2020 कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है। वैसे तो हर 12 साल में एक स्थान पर एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। पर ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आपको बता दें कि कुंभ का पहला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कुंभ एसएसपी ने कुछ खास बातें बताई हैं, जो सभी के लिए जानना जरूरी है। बेसिकली जो ट्रैफिक प्लान है और क्राउड मैनेजमेंट का प्लान है, क्योंकि ये साल का पहला स्नान है और मकर संक्रांति का स्नान है, तो जिसमें कि लोगों के आने की संभावनाएं हैं, तो कोविड की गाइडलाइंस के दृष्टिगत जिस तरीके से स्नान किया जाना चाहिए उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसको जल्दी हम मूर्त रूप दे देंगे। देखिए, इसमें बेसिकली जो फोर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है उसमें लगभग 1300 के अराउंड कॉन्स्टेबल्स हैं, लगभग 50 के करीब सब इंस्पेक्टर्स हैं और 15 करीब इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा जीओज अगर देखे जाएं तो टोटल 14-15 हमारे पास जीओज अवेलेबल हैं। इसके अलावा एडिशनल फोर्स भी हमको मुहैया कराया जाएगा। देखिए, बेसिकली इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोग आएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहेगा इस दौरान वो रहेगा कि कोरोना के दृष्टिगत इसमें कोशिश की जाए कि कोरोना के जितने भी नियम हैं उनका पालन करवाए। बेसिकली एक ट्रायल के रूप में ही इसको देखा जाए। ट्रायल क्या, ये हमारे लिए तो एक चुनौती है और स्नान जो भी होगा उसको हम हर स्नान को उसी के रूप में लेकर अपनी ड्यूटीज लगाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कुंभ का पहला शाही स्नान कब होगा। इस साल 11 मार्च 2021 में शिवरात्रि के अवसर पर कुंभ मेले का आयोजन शाही स्नान आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल 2021 को मेष संक्रांति के अवसर पर होगा। कुंभ मेला 2021 का शुभ मुहूर्त और तिथि। पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवार सोमवती अमावस्या, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति, चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वहीं मोक्ष भी प्राप्त होता है। कुंभ स्नान से पितृ भी शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।